ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी ग्यारस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। देवशयनी ग्यारस के बाद से अगले चार महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत ही महत्व बताया जाता है। माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब सुनिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के समय एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है और इसे करने की क्या विधि है? युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी के पूछने पर जो कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई थी वही मैं आपसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से उत्सुकता के साथ इस एकादशी के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कथा सुनाना प्रारंभ किया। सतयुग में मधांता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। मधांता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य के संदर्भ में कोई कुछ नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। पूरे राज्य में आई इस मुसीबत के कारण यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। मुसीबत से परेशान होकर प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी परेशानियों का वर्णन किया। राजा मधांता तो पहले से ही इस स्थिति के परेशान थे। अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर उन्होंने सोचा कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसका मुझे इस रूप में दंड मिल रहा है। राजा ने सोच विचार किया और फिर इस कष्ट से छुटकारा पाने के उद्देश्य से सेना को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन राजा मधांता की मुलाकात ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि से हुई। उनसे आश्रम पहुंचते ही राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आश्चर्य के साथ उनसे कुशल क्षेम पूछा। इसके पश्चात ऋषि अंगिरा ने राजा से जंगल में विचरने और उनके आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मैं अपने राज्य की दुर्दशा होते हुए देख रहा हूँ। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? कृपया इसका कोई समाधान करें। राजा के इन वचनों को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा ही भयंकर दंड मिलता है। इस युग में धर्म सभी ओर व्याप्त है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति के लोगों को तप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में इतने सालों से वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। राजा ने मुनिवर की बातों का ध्यान से सुना, किंतु उनका हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी को मारने के लिए तैयार ना हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। इस बात का उत्तर देते हुए महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। उनके इन वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य की ओर लौट आया और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बहुत तेज वर्षा हुई और पूरा राज्य फिर से धन धान्य से संपन्न हो गया। ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण में
देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखने से उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब सुनिए देवशयनी एकादशी की दूसरी कथा। पुरा काल में बलि नाम के एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और ये असुरों के ही राजा थे तथा वे बड़े न्यायनिष्ठ और दानी थे। ये महाराज प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। इनके राज्य में सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे। किसी को भी किसी बात का कोई कष्ट ना था। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस समय दैत्यों के राजा बलि ही थे। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीकर देवराज इंद्र बलवान हो गया और जब इंद्र ने अपने वज्र से राजा बलि को मारा तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उसे फिर से जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से बहुत से यज्ञ करवाए। राजा बलि ने युद्ध में समस्त भूमंडल को जीत लिया और उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं स्वर्ग को भी विजय करना चाहता हूँ। तो उसने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया जिसमें से स्वर्ण मंडित रथ, घोड़े, दिव्य धनुष और तरकस और कवच निकले। विष्णु भक्त प्रहलाद जी ने बलि को फूलों की दिव्य माला और शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। यज्ञ में मिली सामग्रियों और प्रहलाद जी द्वारा दी गई माला को पहनकर शुक्राचार्य जी के शंख को लेकर वो स्वर्ग विजय पर निकल पड़ा। उसकी शोभा ऐसी थी जैसे कुंड में अग्नि शोभा पाती हो। अपनी सेना लेकर वह इंद्रपुरी पहुंच गया और शुक्राचार्य द्वारा दिए गए शंख को बजाया, जिसे सुनकर देवतागण जान गए कि इस बार बलि पूरी तैयारी करके स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने आया है। इंद्रदेव गुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि बलि इतना तेजस्वी कैसे हो गया। बृहस्पति ने इंद्रदेव को बताया कि ब्राह्मणों के प्रताप से इसका बल बढ़ा है। इसके तेज का सामना इस समय आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्वेच्छा से स्वर्ग छोड़कर चले जाने में ही हमारी भलाई है। लेकिन भविष्य में ब्राह्मणों के अपमान के कारण ही इसका पतन होगा। बृहस्पति जी की बात मानकर देवता इंद्र सहित इंद्रपुरी छोड़कर चले गए। बलि ने इंद्रपुरी पर विजय प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया और उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में बढ़ गई। उधर देवताओं की माता अदिति को दैत्यों के स्वर्ग पर अधिकार कर लेने से बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि अब देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। अदिति कश्यप जी से प्रार्थना करती है कि मुझे कोई ऐसा व्रत तप बताएं जिससे विष्णु जी मेरे पुत्रों सहित मुझ पर प्रसन्न हो। ऋषि कश्यप के कहे अनुसार अदिति ने 12 दिवस तक प्योव्रत नामक व्रत को किया, जिसके प्रभाव से भगवान अपने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। अदिति ने भाव से उनकी स्तुति की और कहने लगी कि प्रभु आप मेरी इच्छा की पूर्ति करें। भगवान विष्णु जी कहने लगे कि मैंने तुम्हारी इच्छा जान गया हूँ कि तुम अपने पुत्रों का राज्य दैत्यों से वापस चाहती हो। भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हारे किए प्रियव्रत से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँगा और उनका राज्य वापस दिलाऊँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्दान हो गए। समय आने पर भगवान विष्णु अभिजीत मुहूर्त में अदिति के घर पैदा हुए। उनके उस अवतार का नाम वामन अवतार था। जब वामन भगवान ने राजा बलि की दान वीरता के बारे में पता चला तो वो वहाँ पहुँचे जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि ने उनका उचित आदर सम्मान किया। वामन भगवान कहने लगे कि राजन, मैंने आपकी दान वीरता के बारे में बहुत सुना है कि आप हर याचक की इच्छा पूर्ण करते हैं। राजा बलि कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आप आदेश करें कि आपको क्या चाहिए। मेरे अधिकार में तीनों लोक हैं। वामन भगवान बलि से कहने लगे कि मुझे केवल 3 पग के बराबर भूमि चाहिए। चाहे आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं आपसे और कुछ ना चाहता।
राजा बलि आश्चर्यचकित हो गए कि मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। वामन भगवान कहने लगे कि मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। ये सुनकर जब राजा बलि ने संकल्प लिया तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें टोका, यह वटुक विष्णु का अवतार है और 3 पग भूमि में सारी सृष्टि नाप लेगा, तुमसे दान में लेकर इंद्र को सौंप देगा, तुम अपना निर्वाह कैसे करोगे। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव मैं इस ब्रह्मचार्य को 3 पग पृथ्वी अवश्य ही दूंगा। गुरु की आज्ञा ना मानने पर गुरु शुक्राचार्य ने उसे कहा कि तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। गुरु के शाप के बाद भी राजा बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि ब्राह्मण देव आप 3 पग पृथ्वी नाप ले। इतना सुनते ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और 3 लोकों को 2 पग में नाप लिया। वामन भगवान कहने लगे कि तुमने मुझे छल लिया है, तुमने मुझसे जो संकल्प लिया था वो पूरा नहीं किया, अब तुमको दान देने के कारण नरक की प्राप्ति होगी। राजा बलि विचार करने लगे कि दान करने पर भी नरक की प्राप्ति हो रही है, ये विधाता की कैसी लीला है। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु आप 3रा पग मेरे सिर पे रख ले। उसी समय प्रहलाद जी और राजा बलि की पत्नी विंध्याचली वहां आई और दोनों ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी भी वहां आए और वामन भगवान की स्तुति कर कहने लगे कि प्रभु बलि ने अपना राजपाट, लक्ष्मी, जहां तक कि अपना शरीर भी आपको अर्पित कर दिया है, यह दंड का नहीं उत्तम पद का अधिकारी है। भगवान बोले कि मैं तो बलि की परीक्षा ले रहा था, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे भक्त धन, राज्य और ऐश्वर्य का मोह नहीं करते, मेरे बहुत से भक्त हुए हैं लेकिन बलि जैसा कोई नहीं है, इसने अपना धन, 3 लोकों का राज्य और अपना शरीर भी मुझे दे दिया है। इसके गुरु ने इसे शाप दिया, इसे अपमानित होना पड़ा, इसे बांध लिया गया, लेकिन यह सत्य के मार्ग से विचलित ना हुआ। इससे प्रसन्न होकर वामन देव वास्तविक स्वरूप में आए। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वह चाहता है कि कलयुग के अंत तक आप पाताल लोक में निवास करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया और उसके साथ पाताल लोक चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु बैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया। उसको मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधी, उसके बाद पूरी बात बताई। उन्होंने बलि को भाई बनाकर कहा कि तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह यानी कि चतुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। तो इस प्रकार से एकादशी की कथाएं संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथा, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ, कहानियाँ, कथाएँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।